whether you want to do a PIL on 100 trials in the I will love, to do 1000 PIL. There the suffering is so much. And there every person is has an address. There's no question of them disappearing. They are linked to some address. I have myself suffering. I have been yes, you were also in jail. Yes. So I'm telling you this will be late for the time. I have so many. Yes, sir. You'll have a chance. Yeah, yeah, yes. But think, sir, think of something yes, practical. Hello. Mera naam Satish Kumar Agarwal hai. Main Chhattisgarh se advocate hoon. Main ek session court mein मैं प्रैक्टिस करता हूँ लोअर हाउस सेशन कोर्ट पे और ज़्यादातर क्रिमिनल मामले में लड़ता हूँ और हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो छत्तीसगढ़ की स्पेशल एक्ट है जिसके मामले में लोगों के जो बेल का मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का उनका सबसे ज़्यादा हनन होता है और इन्हीं सब मामलों को लेकर हम कोर्ट पर अपील होते हैं उन मामलों में जमानत के लिए हम जाते हैं ज़्यादा शेड्यूल का ही क्षेत्र है स्पेशल एक्साइज एक्ट बना है आज से 3 साल पहले एक्साइज एक्ट में आदिवासी लोगों को 25 लीटर शराब तक के मामले में निर्भर रखे थे अचानक सरकार ने उसमें संशोधन करके उसको 5 लीटर तक के शराब को नॉन बना दिया उन मामलों में हम जहाँ तक समझते हैं लॉयर के क्षेत्र में 10 से 15 वर्षों से प्रैक्टिस करता हूँ शराब का जो मामला होता है सबसे छोटा मामला होता है क्रिमिनल मामला उन मामलों में भी हमको बेल लेने के लिए हाईकोर्ट तक अपील होना पड़ता है लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट उन मामलों में भी जमानत नहीं देती और उन्होंने प्रोग्राम अपडेट किया हुआ है अपने कंप्यूटर पर जो लोन जुड़ी है कि ये व्यक्ति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया कि ये दोबारा किसी प्रकार का अपराध करेगा इसलिए मैं इसकी जमानत आवेदन निरस्त करता हूँ तो कोई व्यक्ति किसी को कैसे संतुष्ट कराएगा कि वो उसी प्रकार के अफेयर में है वो केवल अपने आप को प्ली करके या न्यायालय के सामने के बाद एक शपथ के माध्यम से न्यायालय के सामने ये बता सकता है कि मुझे अनलीगल कंप्लीट किया गया है मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ और इसी मामलों में इसी प्रकार के मामलों में जो गवर्नमेंट ठेकेदार शराब है जो कोचियरों के माध्यम से लोअर प्रदेश क्षेत्रों में शराब बेचते हैं उन लोगों के कुछ जब ऐसे मामले बनते हैं तो उनका लोअर जुडिशरी अपने पुलिस अप्रोचिंग से पुलिस की जो डायरी होती है 173 प्रूफ या जो डायरी इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट सबमिट करती है उनकी कमजोरी की वजह से उनको बेल मिलती है और जो ट्राइबल एरिया से गरीब तबके के लोग हैं उनको बेल देने के लिए हाईकोर्ट तक अपील होना पड़ता है हाईकोर्ट ये पूछती है कि अगर ये 1 महीने तक कदम दर्शन नहीं रहा है या इसकी चार्जशीट फाइल हुई है तभी इसको मिल रही है इसलिए इन सब मामलों में जहां तक मैं समझता हूँ जैसे सीआरपीसी में प्रोविजन है 436 और जो अंडर ट्रायल में अगर किसी को कन्वेंशन हो जाता है 39 वीक एक मेरा मामला था एक मर्डर के मामले में एक डॉक्टर को इन्वॉल्व किया गया था 201 में वो 201 में देने पर फेंस होता है और 3 में जो नॉन डेलेबल ऑफेंस था तो 201 में लोअर कोर्ट ने उसकी लोअर कोर्ट ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जब सेंट्रल कोर्ट ने उसकी फोन कर दिया कि बेल को रिजेक्ट कर दिया जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने बताया कि 201 डेलेबल ऑफेंस है इससे आप ट्रायल कोर्ट से बेल ले लीजिए जब हम 201 पे ट्रायल चला और ट्रायल चलने के बाद उसको कन्वेक्शन किया कोर्ट ने 5 साल का तो 389 ने उस सेशन कोर्ट ने उसको जबकि 389 फाइव के प्रावधान के लिए किसी को दोबारा आपको चांस मिलेगा छत्तीसगढ़ का जी लेकिन आपने ये किया कि बिकर सेलिंग केस थे जी बहुत दुखद स्थिति है अभी छत्तीसगढ़ में ऐसे धारकर मिले जी सर मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम अपने पास कर सकते हैं सीधे